नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 444 नंबर के हेल्प से हाउस बोट का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर 444 इस तरह लिखना होगा। बहुत ही सावधानीपूर्वक करिएगा, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ से एक 4 नंबर लिखिएगा, एक 4 नंबर आप इधर ऐसे आसानी से लिख देंगे। इस तरह आपको 444 नंबर लिखना होगा। 444 नंबर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, नीचे के साइड में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से बढ़ाइए और इसको आगे की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ कर देंगे। इधर से भी आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक लाइन आप नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, एक लाइन इधर से भी आप नीचे की तरफ आसानी से बढ़ा दीजिएगा। इसको यहाँ पे टच करेंगे, इधर भी आप ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में एक उल्टा यू लेटर लिखना होगा। इधर भी आप ऐसे यू लेटर लिख दीजिएगा। एक यू लेटर हम यहाँ पर भी आसानी से लिख देंगे। यू लेटर लिखने के बाद दोस्तों, आपको नीचे की तरफ इसको मिलाना होगा। इधर से भी आसानी से मिला दीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से हमारा हाउस बोट का चित्र बनके तैयार होने वाला है। ऊपर के साइड में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ पर बढ़ाइए, छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको इसको डबल करना होगा, यहाँ से डबल करते हुए मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जस्ट एक लाइन आप इधर पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। सेम आपको इस साइड भी रिपीट करना होगा, एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा। फिर से ऊपर की तरफ हम बहुत ही आसानी से इसको डबल कर देंगे, यहाँ पर भी डबल कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा डबल। डबल हो जाने के बाद ऊपर ही आपको एक हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ से ऐसे हाफ सर्किल बनाइए, एक हाफ सर्किल आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा, छोटा सा यहाँ पर सर्किल, हाफ सर्किल, एक लाइन, एक झंडे बना दीजिएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। एक आप उल्टा यू लेटर लिखिए, इधर भी ऐसे यू लेटर लिख दीजिएगा। यू लेटर लिखने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर एक गेट बनाना होगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ मिलाइए, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, छोटा सा लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। इस साइड भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे, इधर भी ऐसे बढ़ाइए, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको दोस्तों यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि वाटर आपको बनाना होगा। इधर ऐसे बढ़ाइए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। बहुत ही आसानी से हमारा हाउस बोट का चित्र बनके तैयार होने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ से आपको इसको ऐसे घुमाना होगा, इधर भी आप ऐसे घुमा दीजिएगा, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको डबल करते हुए आप इधर ऐसे मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी ऐसे रिपीट करेंगे, डबल करते हुए यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों देखिएगा, ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और इसको यहाँ तक ले जाइएगा। फिर आपको इसको डबल भी करना होगा। अभी हम आपको इस हाउस बोट को कलर भी करना सिखाएंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। छोटा सा सर्किल इधर बनाइए, एक सर्किल यहाँ पर, और दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने यहाँ पर कितने सर्किल बनाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।